हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉगिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय माधव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाते हैं, ताकि जो है आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। और ये हमारी एक्सपर्ट टीम है जो आपके बाकी के सब्जेक्ट्स ले रही है। आई होप आप प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और लगभग लगभग जो है आपके एक एक चैप्टर सभी कोर्सेज में, सभी सब्जेक्ट्स में कंप्लीट होने को आए हैं, हो चुके हैं। तो आज जो है हमारा भी एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हम जो है उसका रिवीजन लेने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हैं, हमारे बारे में जानना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं कहाँ, टेलीग्राम ऐप पे। टेलीग्राम ऐप पे आपको क्या मिलेगा, आपको डीपीपीज और सैंपल मटेरियल मिलेगा, जहाँ पे जो है आप सब्सक्राइब करके उसको एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही इजीली। जो है TTB08 आपको सिंपली क्या करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद अपने क्लास के अकॉर्डिंग उस ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब करना है, जो है TTB08। ठीक है, फिर उससे क्या होगा, उससे आप जो है हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है तो आप जो है हमारी वेबसाइट पे ज़रूर विजिट कीजिए, जो है talkingtextbooks.in। जी हाँ, इस वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल ऑप्शन में जाना है। स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे, जैसे कि फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, सभी के लिए हमने प्लान किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, फाउंडेशन एंड ओलंपियाड सेलेक्ट करना है फॉर क्लास 8। उसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, कितनी सारी चीज़ें मिल रही है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटीरियल। ठीक है, रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स, लाइव इंटरेक्शन हम करेंगे। ठीक है, डाउट सॉल्विंग हम सेशंस करेंगे, आपके सारे डाउट जो है दूर किए जाएंगे। और होमवर्क सबमिशन करना होगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको हार्ड कॉपी में आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, उसमें से आपको होमवर्क करना होगा, वो होमवर्क आपको सबमिट करना होगा गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, बाई वीकली क्विजेज आपके लिए रहेंगे और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी आपके लिए जो है प्लान कर चुके हैं। एक टेस्ट आपका हो चुका है, अगला टेस्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अगर आप नए हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। आप जुड़ सकते हैं कहाँ, यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके। ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और आप जाएंगे प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे आपको मिलेगा डिस्काउंट कूपन, जो कि अगर आप अप्लाई करते हैं तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, और वो क्या है, AM Live। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं AM Live आपको 30% का डिस्काउंट बड़ी ही आसानी से जो आपका कोर्स प्राइस है उसमें से मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बाय पैकेज कर लीजिए। बाय पैकेज आप कर सकते हैं नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू। अगर आपकी कोई समस्या है, क्वेरी है, दुविधा है, तो आप जो है कॉल कर सकते हैं 9549041111। जैसे ही आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, आपको बहुत ही मधुर सी आवाज सुनाई देगी जो बोलेगी हेलो। ठीक है, अपनी समस्या बताइए। ठीक है, अपनी क्वेरीज पूछिए। तो आपको क्या करना है, उनको अपनी सारी समस्या, अपनी सारी क्वेरीज बता देनी है। ठीक है, हमारे बारे में कुछ जानना है, टॉकिंग टेक्स्ट बुक के बारे में जानना है, टेलीग्राम से संबंधित कोई आपको परेशानी है, तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कर लेते हैं हमारा क्या, कार्डिनल प्रॉमिस। जी हाँ, कार्डिनल प्रॉमिस करना बहुत जरूरी है टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट, सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, स्मार्ट स्टूडेंट बन गए आप। ठीक है, आई होप आप सारे क्या हैं, स्मार्ट स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपने जो है प्रॉपर लेक्चर की, प्रॉपर लेक्चर्स लिए हैं प्रॉपर। ठीक है, और नोट्स भी लिए होंगे उसके। तो आज जो है हम उसका रिवीजन लेंगे, और रिवीजन में हम देखेंगे कि जो है आपका चैप्टर क्या कहता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रिवीजन ऑफ योर व्हाट, सिंथेटिक फाइबर और आपके जो है मटेरियल। ठीक है, उसका हम जो है आज रिवीजन लेने वाले हैं। कभी कभार जो है फेलियर आ जाता है, टेक्निकल फेलियर।
चलिए ठीक है, ये आपका क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर सिंथेटिक क्लॉथिंग मटेरियल एंड पॉलीमर, ठीक है, इसका हम जो है रिवीजन लेने वाले हैं आज। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन, फाइबर की जरूरत हमें क्यों पड़ी, हमें क्या जरूरत थी फाइबर्स इन्वेंट करने की, सिंथेटिक फाइबर इन्वेंट करने की, क्योंकि जो है आपके नेचुरल फाइबर का एक्सटेंशन हो रहा था, यानी कि वो इतनी स्कैर्सिटी आ रही थी, इतना हम उनको बना नहीं पा रहे थे, और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हमें जो है सिंथेटिक फाइबर्स पे शिफ्ट होना पड़ा, ठीक है, केमिकल्स का यूज़ करना पड़ा फाइबर्स बनाने के लिए। उनसे हमने क्या बनाए, फैब्रिक्स बनाए और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स बनाए, जैसे कि प्लास्टिक्स, ठीक है। तो ये क्या जरूरत पड़ी हमें, टू डिक्रीज द स्कैर्सिटी ऑफ योर नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका क्या, हमारा ओवरव्यू ऑफ फाइबर, ठीक है। फाइबर में हमने देखा कि फाइबर किससे मिलके बने हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, दो तरीके के आपके फाइबर्स होते हैं। इसके अंदर होते हैं आपके प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर, ठीक है, हमने इसके अंदर देखा। फिर हमने देखा प्लांट फाइबर में क्या होते हैं, कॉटन और जूट, एनिमल फाइबर होते हैं आपके वूल और सिल्क, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर जो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे वो हैं आपके रेयन, नायलॉन, एक्रेलिक, स्पैंडेक्स, पॉलिएस्टर, ठीक है, ये सारे हम जो है सिंथेटिक फाइबर इस चैप्टर में पढ़े हैं हमने डिटेल में, ठीक है। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, फाइबर क्या होता है, फाइबर एक स्ट्रैंड होता है, थिन फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज यूज टू मेक क्लोथ, विच इज यूज टू वोवन द क्लोथ्स, ठीक है। शॉर्ट फाइबर होते हैं आपके, शॉर्ट फाइबर स्टेपल फाइबर जो होते हैं आपके कॉटन्स के, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं आपके फिलामेंट फाइबर जिनको बोलते हैं, वो क्या होते हैं आपके लॉन्ग फाइबर जैसे कि नाइलॉन, ठीक है। फाइबर को हमने तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया, नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक, यानी कि नेचुरल और सिंथेटिक का मिक्सचर करके हमने जो है कुछ फाइबर इन्वेंट किए हैं, वो है आपके सेमी सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फाइबर की डेफिनेशन हमने देखी, क्या है फाइबर, फाइबर आर लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज यूज टू मेक वॉट योर क्लॉथ एंड अदर यूजफुल मटीरियल, ठीक है, वो होते हैं आपके क्या, फाइबर, ठीक है। फिर आता है नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, और फॉर एग्जाम्पल वूल, कॉटन, सिल्क, ये सारे आपके क्या है, नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर, फाइबर सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बींग्स, वो सारे आपके क्या है, सिंथेटिक फाइबर, जैसे नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, स्पैंडेक्स। और सेमी सिंथेटिक यानी कि मॉडिफाइड नेचुरल फाइबर आर नोन एज योर सेमी सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे रेयन, विस्कोस जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा एक और जिस वो इसके अंदर टॉपिक आता है वो है आपका मोनोमर वर्सेस पॉलीमर, ठीक है। इन्हीं से ही आपके क्या बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं। मोनोमर्स क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स जो कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, आपकी पॉलीमर्स बनाती हैं। तो मोनोमर प्लस मोनोमर क्या बनाता है, आपका पॉलीमर बनाता है। और जो आपके मोनोमर्स हैं वो क्या है, आपकी स्मॉल यूनिट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो कंबाइन होती है लार्ज मॉलिक्यूल में, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर्स, ठीक है। इस तरीके से अगर छोटे छोटे जो आपके एक एक यूनिट मोनोमर की कनेक्ट हो जाए तो वो क्या बनाती है, पूरा पॉलीमर बनाती है, ठीक है। चलिए, पॉलीमर की डेफिनेशन है, पॉलीमर इज अ कंपाउंड ऑफ हाई मॉलिक्यूल और हाई मॉलिक्यूलर मास टू फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और द मोनोमर्स, ठीक है। और फिर मोनोमर क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल होता है विच कॉन्स्टिट्यूइंग द रिपीटिंग यूनिट एंड फॉर्म अ पॉलीमर, जो क्या करता है, रिपीट करके आपका बार बार रिपीट होकर क्या बनाता है, पॉलीमर बनाता है। एक स्मॉल यूनिट, स्मॉल मॉलिक्यूल बोल दें, वो क्या होता है आपका मोनोमर। और इस प्रोसेस को पॉलीमर से लाइक मोनोमर से पॉलीमर बनाने की प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, पॉलीमराइजेशन, क्या बोलते हो उसको, चलिए कोई बात नहीं, क्या बोलते हैं उसको, हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोमर्स टू फॉर्म अ लार्ज पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, क्या बोलते हैं उसको हम, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, समझ आया। चलिए, ये कुछ आपके सिंथेटिक फाइबर हैं जिनको हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं। तो सिंथेटिक क्लॉथिंग मटेरियल क्या होते हैं, मोस्ट सिंथेटिक फैब्रिक्स
कैन बी यूज एज क्लॉथिंग मटीरियल, जो कि हम आजकल यूज करते हैं, जैसे कि आपके रेयन है ना, आपका सेमी सिंथेटिक है, और नायलॉन आपका पॉलिएस्टर एंड अक्राइलिक्स, जिनको हम अभी डिटेल में पढ़ रहे हैं। चलिए एक एक प्रॉपर्टी इनकी देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले आता है आपका रेयन। रेयन क्या होता है? आपका सिंथेटिक फाइबर, सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है। किससे बनता है? रीजेनरेटेड सेल्यूलोज से मिलकर बनता है। और कैसी फीलिंग देता है? सिल्क की तरह फीलिंग देता है, इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम विस्कॉस भी बोला जाता है, ठीक है। यूरोप में इसको विस्कॉस के नाम से जाना जाता है। और ये है आपका क्या, पहला सिंथेटिक फाइबर या फिर सेमी सिंथेटिक फाइबर जो बना है रीजेनरेटेड सेल्यूलोज से, जो कि आपका एक प्लांट मटेरियल होता है, नेचुरल फाइबर होता है। वुड पल्प से हमें ये मिलता है सेल्यूलोज, ठीक है। कैसे प्रिपेयर करते हैं? केमिकल्स को मिक्स करके, जैसे सेल्यूलोज में हम पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, फिर अल्कलाइन आपका सेल्यूलोज मिलेगा, फिर उसको कार्बन डाइसल्फाइड से ट्रीट करेंगे, फिर हमें जो है ऑरेंज सिरप लाइक सॉल्यूशन मिल जाएगा, विस्कस सॉल्यूशन मिलेगा। उस विस्कस सॉल्यूशन को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड से पास करोगे तो वो आपको एक यान देगा, जो कि है आपका रेयन, है ना। फाइनल हमें जो है सेल्यूलोज फिलामेंट मिल जाएगा कुछ इस तरीके का, जो है आपका व्हाट, दिस इज योर रेयन। इसको आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी डाई कर सकते हैं, जैसा कलर आपको पसंद है वैसा कलर इसको आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका ही पार्ट कि कितना आपको परसेंटेज डालना है, 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अबाउट 3 आवर तक हम उसको उसके अंदर रखते हैं, एंड देन वी ट्रीट इट विद द कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, जो हमें देता है अपना विस्कॉस या फिर रेयन, ठीक है। चलिए नायलॉन नेक्स्ट आता है हमारा। नायलॉन, नायलॉन क्या होता है? आपका फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन क्या है? आपका पहला फुली सिंथेटिक फाइबर है, जो कि प्रिपेयर हुआ था कब, 1931 में, ठीक है। 1931 में सबसे पहले हमने नायलॉन जो है इन्वेंट किया और इसको बनाया, डिस्कवर किया, प्रिपेयर किया। कैसे प्रिपेयर करते हैं? नायलॉन इज प्रिपेयर्ड ऑन हीटिंग कोल विद वाटर वेपर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। कोल को आप जो है हीट कर रहे हो, किसमें, वाटर वेपर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब आपका जो है नायलॉन प्रिपेयर होता है, ठीक है। नायलॉन कैसे बना है? न्यूयॉर्क और लंदन से इसका नाम लिया गया, वहां से इसको नायलॉन नाम दिया गया। कॉमन नायलॉन जो है आपके नायलॉन 66, ये डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर्स है आपके नायलॉन के, और इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। कैसा होता है आपका नायलॉन? नायलॉन इट रेजिस्ट व्हाट, ग्रीस, ऑयल, है ना, पेस्ट यानी केमिकल, टफ इलास्टिक मटीरियल होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, एंड इट इज लस्चरस एंड इजी टू वॉश, ठीक है, इजी टू वॉश है। और क्या बनाते हैं इससे? ब्रिसल्स बनाते हैं और रोब्स बनाते हैं और शीट्स बनाते हैं, एंड इट कैन बी मेड इनटू प्लेटेड और पाउडर्ड फॉर्म, ठीक है, पाउडर फॉर्म में भी हमें ये मिल सकता है, ठीक है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ योर नायलॉन। चलिए अगेन द सेम प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। यूजेस ऑफ नायलॉन, यूजेस कहाँ कहाँ पे? फिशिंग नेट्स बनाने में, फिशिंग लाइन, स्ट्रेचेबल वियर, रेनकोट, स्लीपिंग बैग, सीट बेल्ट, रोप्स, अप पॉलिस्ट्री, और मेकिंग ऑफ व्हाट, योर सारीज, स्विमिंग वेयर्स, ट्रैक सूट बनाने में, बहुत सारे यूजेस हैं नायलॉन के, है ना, बहुत ही वास्ट यूजेस हैं, बहुत सारी जगहों पे हम नायलॉन को यूज लेते हैं। रोप्स बनाने में, क्लाइंबिंग रोप्स, पैराशूट्स, और ये सारी चीज़ें बनाने में हम क्या लेते हैं? नायलॉन फाइबर यूज लेते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है आपका पॉलिएस्टर, ठीक है। पॉलिएस्टर क्या है? इट इज अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एस्टर। एस्टर की हम जो है मोनोमर लेते हैं और उसको रिपीट करके हम क्या बनाते हैं आपका पॉलिएस्टर। इट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड एस्टर। और कैसे बनाते हैं? मोस्ट आपके जो है पॉलिएस्टर फैब्रिक्स होते हैं, दे हैव एक्सीलेंट वॉश एंड वियर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इनको अच्छी, इनकी वियर एंड टियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कितना ही वॉश करो कितना ही पहनो खराब नहीं होता है, ठीक है। टेरी वूल एंड इज अ ब्लेंडेड टेरिलीन, ठीक है, जो टेरिलीन जो है उसको मिक्स करके हम वूल के साथ आपका क्या बनाते हैं? टेरी वूल, जिसको हम बोलते हैं क्या, ब्लेंडेड
फाइबर बोलते हैं, ठीक है। टेरिलीन इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्रॉन एंड माइलर, ठीक है। टेरिलीन भी एक आपका पॉलिएस्टर ही है, जो कि उसका डिफरेंट नेम है, ठीक है, और उसको हम डेक्रॉन और माइलर भी बोलते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिएस्टर क्या है प्रॉपर्टीज, इट इज अ टफ, लाइट वेट एंड इलास्टिक, ओके, इजी टू वॉश, डज नॉट श्रिंक और स्ट्रेच, एंड फॉर्म्स अ परमानेंट क्रीज इफ हीटेड एंड प्रेस्ड, एंड रेजिस्टेंस टू योर पेस्ट एंड केमिकल, ठीक है। ये चार इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो बताती हैं कि पॉलिएस्टर कैसा आपका फैब्रिक है, फाइबर है, ओके, अंडरस्टूड। इसके यूजेस क्या हैं, क्या हम इसको यूज लेते हैं, कहाँ कहाँ हम इसको यूज लेते हैं, वी यूज इन मेकिंग मैग्नेटिक ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स एंड फ्लॉपी डिस्क, ओके, टेरी वूल, टेरी कोट, मेकिंग शर्ट्स, साड़ीज, ओके, बेडशीट्स, और हाईली सुटेबल फॉर मेकिंग शर्ट, साड़ी, सूटिंग, है ना, डीप्रीज, और मिक्सिंग विद फाइबर ग्लास एंड मोल्डिंग इन टू हेलमेट्स, प्रोटेक्टिव शीट्स, हल्स इन बोट, ठीक है। इतने सारे इसके यूजेस हैं सारे, और बहुत सारे इसके यूजेस हैं, बहुत ही अच्छा आपका फाइबर है जिसको हम जो है यूज लेते हैं कहाँ पर, फैब्रिक्स बनाने में और भी अदर मटेरियल्स बनाने में, अदर यूजफुल मटेरियल्स बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अक्रैलिक, अक्रैलिक आपका कैसा फाइबर है, इट इज क्लोजली रिजेंबल्स टू वूल, है ना, वूल को रिजेंबल करता है, ठीक है, वूल की प्रॉपर्टीज है, वूल की तरह दिखता है। अक्रैलिक फाइबर इज अ सिंथेटिक फाइबर मेड अप ऑफ पॉलीमर, जो कि है आपका पॉली अक्राइलो नाइट्राइल, पॉली अक्राइलो नाइट्राइल से इसको हम मिलके बनाते हैं, मोनोमर का नाम है आपका पॉली अक्राइलो नाइट्राइल विद एन एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वॉट 1 लाख अबाउट 1900 मोनोमर यूनिट्स, ठीक है। अक्रैलिक फाइबर आर वेरी यूजफुल इन आर डेली लाइफ, डेली लाइफ में बहुत ज्यादा अक्रैलिक फाइबर हम यूज करते हैं। अक्रैलिक फाइबर ऑल्सो नोन एज ऑरलॉन और अक्रेलियन, है ना, ऑरलॉन और अक्रेलियन भी हम इसको बोलते हैं। क्या इसकी जो है प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं, रेजिस्टेंस टू डैमेज बाय मॉथ, है ना, रेजिस्टेंस करता है किससे, मॉथ यानी कीड़े मकौड़े आपके उनके डैमेजेस से, एंड कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हम इसको डाई कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेन रेजिस्टेंस, है ना, इट इज स्ट्रॉन्ग एंड इट इज स्ट्रेन रेजिस्टेंस, सॉफ्ट एंड क्रिम्प्स रिजेंबलिंग वूल, वूल को रिजेंबल करता है, बहुत सॉफ्ट होता है, थोड़ा वार्म होता है, इट इज ड्यूरेबल एंड लाइट एंड इट इज वॉशेबल, इजीली वॉशेबल है एज कंपेयर टू वूल, वूल को इतना आसानी से वो क्या करती है, श्रिंक कर जाती है जब आप उसको वॉश करते हैं। ऑल्सो अवेलेबल इन शीट्स, शीट्स के फॉर्म में भी ये हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। दीज आर सम प्रॉपर्टीज, और फिर इसके यूजेस, यूजेस क्या हो गए, अ ट्रांसपेरेंट टाइप ऑफ अक्रैलिक इज यूज टू कवर वॉट, कार बोर्ड्स और सर्जिकल टूल्स, है ना, ट्रांसपेरेंट मटीरियल कुछ ऐसा शीट्स में भी आता है, एंड यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फर, ब्लैंकेट, कारपेट, जो भी आपकी वूल की चीजें बनती हैं वो सारी आपकी अक्रैलिक फाइबर की भी बन सकती हैं, ठीक है, जो भी आपके गर्म कपड़े हैं, स्वेटर्स हैं, सॉक्स हैं, शॉल्स हैं, तो वूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वूल वाली चीजें ही, मतलब एक ऑल्टरनेट हो गया हमारे पास वूल का, ताकि जो है आप वूलन क्लोथ्स जो आपको नेचुरल फाइबर इजीली नहीं मिल रहा, वो आपको सिंथेटिक फाइबर की हेल्प से जो है वो सारी चीजें आपको अवेलेबल हो सकती हैं, ठीक है। एक्रेलिक निटिंग वूल इज गुड फॉर बेबी वियर, है ना, दे आर सॉफ्ट, वार्म एंड वॉशेबल, ठीक है, कैसे होते हैं, सॉफ्ट, वार्म एंड वॉशेबल, ओके, बेबी वियर के लिए ज्यादा काम आते हैं। स्पेंडिक्स, स्पेंडिक्स इज अ लाइट वेट सिंथेटिक फाइबर दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्ट्रेचेबल क्लॉथिंग सच एज स्पोर्ट्स वियर, इट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन पॉलीमर कॉल्ड पॉलीयूरेथेन, क्या बोलते हैं इसको, पॉलीयूरेथेन इसका मोनोमर का नाम है, और जो स्पेंडिक्स है आपके जनरली अच्छी फिटिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्म फिटिंग या फिर स्नग फिटिंग, ठीक है, नॉर्मल साइज से बहुत ही टाइट फिटिंग क्लॉथ्स इससे बनाए जाते हैं। जनरली हम क्या बना रहे हैं इससे, एक ही वर्ड है जो है आपके स्पोर्ट्स वियर, स्पोर्ट्स वियर के सारी चीजें जो है हम स्पेंडिक्स फाइबर से बनाते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है,
ये क्या है, एक्सीलेंट इलास्टिसिटी है इसकी, इसलिए हम इसको जो है स्पोर्ट्स वियर बनाने में यूज लेते हैं। हाई इलास्टिसिटी ऑफ दीज फाइबर मेक सुटेबल देम फॉर व्हाट, स्नग फिटिंग क्लॉथ्स। स्पेंडिक्स इज मिक्स विद अदर फाइबर सच एज कॉटन एंड गेट स्ट्रेच्ड फाइबर, ठीक है, कॉटन के साथ इसको मिक्स करके उनको भी हम स्ट्रेचेबल बना लेते हैं। एंड इट इज अ को पॉलीमर ऑफ पॉलिएस्टर एंड पॉलीयुरेथेन। क्या है ये, को पॉलीमर है किसका, यानी कि उनके जैसा ही पॉलीमर है किसका, दैट इज योर पॉलिएस्टर एंड पॉलीयुरेथेन। ओके, नेक्स्ट योर यूजेस ऑफ स्पेंडिक्स। यूजेस ऑफ स्पेंडिक्स क्या है, रेसलर और एथलेटिक वियर, यानी कि सारे स्पोर्ट्स वियर। एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग द स्विमिंग कॉस्ट्यूम, स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स बनाने में हम इसको यूज लेते हैं। कैप्स, टी शर्ट, वुमेन वियर और लेगिंग्स बनाने में इसको यूज लेते हैं, यानी कि अच्छी फिटिंग हो जिनकी, स्नग फिटिंग हो, है ना, फॉर्म फिटिंग। स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स हो गए, स्विमिंग वाले ने आपने देखा होगा जो डाइवर्स होते हैं वो एकदम टाइट कपड़े पहन के जाते हैं, है ना, उनके कॉस्ट्यूम्स ही उसी तरीके के होते हैं। जो भी आप रेसलर्स देखो, एथलेटिक्स देखो, उनकी शॉर्ट्स वगैरह, है ना, उनके टीज वगैरह जो है सारी वेस्ट, वो सब क्या होती है, अच्छी खासी टाइट होती हैं, तो अच्छी फिटिंग देता है आपका क्या, स्पेंडिक्स। नेक्स्ट है आपका कोरोसील। कोरोसील क्या होता है आपका, कोरोसील इज अ वाटर प्रूफ एंड योर एयर प्रूफ फाइबर, ठीक है, कैसा फाइबर है, वाटर एंड एयर प्रूफ फाइबर। इट इज, इट हैज अ ट्रेड नेम ऑफ हाई पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड, ठीक है, कैसा है, ट्रेड नेम से जाना जाता है किसके, पॉली विनाइल क्लोराइड के, ठीक है, यानी कि विनाइल क्लोराइड इसका जो है पॉलीमर है। एंड यूज ऑफ कोरोसिल, यूजेस क्या है, इट इज यूज फॉर कोटिंग फैब्रिक्स ऑफ सिल्क, रेयन और कॉटन टू मेक देम वाटर प्रूफ, ठीक है, उनके साथ भी मिक्स किया जाता है टू मेक देम वाटर प्रूफ। वाटर प्रूफ फैब्रिक सो ऑप्टेन कैन बी यूज इन रेनी डेज और बाथरूम कर्टन्स, ठीक है, और योर वॉल कवरिंग्स, ठीक है, वहां पर भी हम जो है इस मटीरियल को यूज ले सकते हैं, किसके लिए, रेनकोट्स वगैरह बनाने के लिए रेनी सीजन के अंदर, और बाथरूम कर्टन्स वगैरह बनाने के लिए और वॉल कवरिंग्स के लिए, ताकि वहां पर जो है पानी ना लगे और वो खराब ना हो, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हमारा ब्लेंडेड फाइबर। ब्लेंडेड फाइबर आपके क्या होते हैं, कोई भी दो या दो से ज्यादा या एक या एक से ज्यादा फाइबर हमने जो है आपस में मिक्स कर दिए, वो होते हैं आपके ब्लेंडेड फाइबर, ठीक है। अब ब्लेंडेड फाइबर कैसे बनाते हैं, ब्लेंडेड फाइबर पॉलिएस्टर और कॉटन को मिक्स करके आपका बना रहे हैं हम पॉलीकॉट, और पॉलिएस्टर एंड वूल को मिक्स करके हम बना रहे हैं आपका टेरी वूल, यानी कि जो अभी हमने देखा टेरी लीन और वूल को मिक्स करो तो क्या बनेगा आपका, टेरी वूल, है ना। पॉलिएस्टर भी आपका क्या है, टेरी लीन, टेरी लीन पॉलिएस्टर दोनों एक ही चीज है। कॉटन एंड वूल आप क्या बनाते हैं, इसे कॉट्स वूल बनाते हैं, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पॉलिएस्टर के, और ये फिर जो है सारे हमारे सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इनको हम कहाँ कहाँ पे यूज लेते हैं और इनसे क्या क्या बनाते हैं, जो कि अभी हमने डिटेल में देखा, ठीक है। चलिए, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में डिफरेंस क्या है, क्या इनके एडवांटेजेस हैं। नेचुरल फाइबर तो हमें अच्छा जो है मॉइस्चर, मतलब ब्रीथ, मॉइस्चर रिटेन कर लेते हैं, आसानी से हम इसके अंदर ब्रीथ कर सकते हैं, इजीली वॉशेबल है, और जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो स्ट्रांग हैं, डू नॉट श्रिंक, ड्यूरेबल हैं, अच्छे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अच्छी है, लेस एक्सपेंसिव है, और ये सारे इनके जो हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ योर सिंथेटिक फाइबर एंड योर नेचुरल फाइबर, ठीक है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है, बर्न नहीं होते। सिंथेटिक फाइबर जैसे नाइलॉन, अगर आप इनको किचन में काम कर रहे हो तब बिल्कुल ना पहने, क्योंकि ये जो है कभी भी फायर के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से या किसी हॉट पैन के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से जो है आपका मेल्ट हो जाता है, ना कि बर्न होता है। तो मेल्ट होगा तो आपकी स्किन पे सिंथेटिक फाइबर आपने पहन रखा है, मेल्ट होगा तो वो जो है स्किन पे ही चिपक जाएगा, आपको बर्न कॉज करेगा, आपको उससे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो डू नॉट वियर देम वाइल वर्किंग इन द किचन, ठीक है। जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो आपका नायलॉन इतना स्ट्रेंथेबल और इतना
टफ टेंसाइल, गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड गुड इलास्टिसिटी होने की वजह से क्रेन्स और एलिवेटर रोप्स बनाने में काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है, जो है हमारा प्लास्टिक। ये भी क्या है आपका? पॉलीमर है, सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, लेकिन प्लास्टिक एक डिफरेंट चीज है ना। पॉलीमर एक मटेरियल है, पॉलीमर है, इसीलिए हम इसको इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। और ये क्या होता है? इजीली मोल्डेबल होता है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में, साइजेस में। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स यानी कि इसके टाइप्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, मोनोमर उसकी अरेंजमेंट के बेसिस पे, ठीक है, जैसा उसके मोनोमर्स अरेंज हैं उनकी बेसिस पे हमने उसको कैसे क्लासिफाई किया है, लीनियर प्लास्टिक्स, जिसमें जो है मोनोमर का अरेंजमेंट लीनियर है, मतलब स्ट्रेट है, इसलिए हमने उसको बोला है क्या आपका? लीनियर प्लास्टिक्स। ठीक है, लीनियर प्लास्टिक सिंपल प्लास्टिक्स बनाने में काम आता है, जो कि है आपकी हाई डेंसिटी प्लास्टिक और आपके पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे ब्रांच चेन प्लास्टिक्स और क्रॉस लिंक यानी कि थ्री डायमेंशनल नेटवर्क प्लास्टिक। ठीक है, क्रॉस लिंक में क्या है? क्रॉस लिंकली वो क्या है? अटैच है उसके मोनोमर, और ब्रांच चेन में उनकी क्या निकली हुई है? ब्रांचेस निकली हुई है। ठीक है, तो ब्रांच चेन मोनोमर्स यूनिट्स ओनली कंबाइन टू प्रोड्यूस व्हाट? लीनियर चेन बट ऑल्सो फॉर्म व्हाट? ब्रांचेस। इसके एग्जाम्पल हो गए आपके लो डेंसिटी प्लास्टिक्स, है ना, और इसकी हो गई आपकी जो है बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड। ये इसके एग्जाम्पल हो गए किसके? आपके क्रॉस लिंक पॉलीमर के, क्रॉस लिंक प्लास्टिक्स के। ठीक है, जो है सिंथेटिक आपकी प्लास्टिक्स को हम जो है अभी अभी यूज करने लगे हैं। ठीक है, हार्डली 40 to 50 ईयर्स पहले ही हमने इनको यूज करना स्टार्ट किया है, और ये जो है इतने ज्यादा हमारी लाइफ में अटैच हो गए हैं, इतने ज्यादा हमारी लाइफ में यूज आते हैं कि इनके बिना जो है अब लाइफ पॉसिबल नहीं है। बट जो है ये हमारे मैनमेड मटेरियल से बनते हैं, ठीक है, प्लास्टिक्स और सिंथेटिक, और इनकी स्ट्रेचेबल ड्यूरेबिलिटी है ना बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए जो है हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, एंड दे आर व्हाट? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज है अभी हम पढ़ेंगे। थर्मो प्लास्टिक्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टू द हीट, हीट के साथ ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इसके बेसिस पे हमने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है, जो है आपका थर्मो प्लास्टिक एंड योर थर्मो सेटिंग प्लास्टिक्स, है ना। थर्मो प्लास्टिक क्या होते हैं? दे कैन बी मेल्टेड बाई हीटिंग एंड देयर आर आफ्टर मोल्डेड इंटू डिजायर शेप्स एंड साइजेस। इनको हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और साइजेस में जो है रीहीट करके मोल्ड कर सकते हैं। ये होते हैं आपके कौन से? थर्मो प्लास्टिक। कौन से प्लास्टिक? थर्मो प्लास्टिक्स होते हैं। ठीक है, दीज प्लास्टिक सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड बिकम फ्लूइड्स, बट ऑन कूलिंग दे बिकम हार्ड। ठीक है, कूलिंग करने पे ये क्या कर देते हैं? दे बिकम हार्ड और सॉफ्ट हो जाते हैं जब हम इनको क्या करते हैं? हीट करते हैं, ताकि जो है हम इनको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दे सके आसानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दे आर केपेबल ऑफ अंडरगोइंग व्हाट? सच रिवर्सिबल चेंजेस विच वी कैन हीट एंड कूल देम रिपीटेडली। रिपीटेडली हम इनको हीट और कूल बहुत आसानी से जो है कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीएथाइलिन और पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीस्टाइरीन, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक्स हैं। फिर आता है आपका थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। थर्मो सेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं? ऐसे प्लास्टिक जिसको जो है आपके हार्ड हो जाते हैं एंड स्ट्रॉन्गर देन योर थर्मोप्लास्टिक्स। ठीक है, एंड दे कैन रिटेन देयर शेप्स एंड साइजेस इवन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर भी जो पे भी ये जो है अपना शेप और साइज जो है रिटेन कर सकते हैं, मतलब वैसा का वैसा ही रख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। नाम से ही समझ आ रहा होगा, सेटिंग है मतलब ये क्या है? अपने सेट है पूरा। ठीक है, यानी कि अपनी जगह से नहीं हिलते। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, क्या होते हैं? दे दीज पॉलीमर वन सेट टू अ गिवन शेप कैन नॉट बी सॉफ्टन और मेल्टेड अगेन ऑन रीहीट, है ना। रीहीट करने पे जो है ये ना तो सॉफ्ट होते हैं दोबारा और ना ही जो है आपका किसी और शेप में आते हैं। ठीक है, द पॉलीमर अंडरगो अ परमानेंट चेंज ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड
सेट टू अ सॉलिड विच कैन नॉट बी रीमेल्टेड, इनको हम दोबारा जो है रीमेल्ट नहीं कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आपके बेकेलाइट और मेलामाइन, बेकेलाइट और मेलामाइन इसके एग्जाम्पल्स हैं। पहला है आपका जैसे मेलामाइन, मेलामाइन क्या है, अगेन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिससे हम क्या बना रहे हैं, अनबेकेबल डिनर वेयर्स, ठीक है, और आपके डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स और आपके अनब्रेकेबल डिनर वेयर, है ना, डिनर सेट वगैरह और या फिर आपके अदर यूटेंसिल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जो है किससे बना रहे हैं, मेलामाइन जो कि है आपका थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, जिसको आप जो है दोबारा हीट करके मोल्ड नहीं कर सकते, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड दे कैन रिटेन देयर शेप एंड साइजेस व्हेन यू हीट देम, ठीक है, एट इवन एट हाई टेम्परेचर दे कैन रिटेन देयर शेप्स एंड साइजेस, ओके। बेकेलाइट, नेक्स्ट है आपका बेकेलाइट, ये भी आपका क्या है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो कि वंस सेट टू अ शेप बेकेलाइट डज नॉट मेल्ट और सॉफ्टन एंड रिटेन इट शेप्स, ओके। बेकेलाइट ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पे दो केमिकल के नाम दे रखे हैं, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, इनको रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, कोई भी कैटलिस्ट लेके आप जो है बेकेलाइट बनाते हो, यू प्रिपेयर इट, यू मैन्युफैक्चर इट, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये हार्ड है, स्टिफ है और बेकेलाइट इज एन इंसुलेटर, ये क्या है, अच्छा इंसुलेटर है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज लेते हैं, है ना, क्या यूजेस हैं इसके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, इलेक्ट्रिकल स्विचेस और प्लग्स बनाने में, फॉर मेकिंग व्हील टेबल एंड टेबल लेमिनेटेड टॉप्स और फॉर मेकिंग कॉम्ब्स, फाउंटेन पेन्स, फोटोग्राफ रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें बनाने में या फिर गेयर्स वगैरह बनाने में हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। बेकेलाइट इज योर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जिसको हम यूज करते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में ज़्यादा। नेक्स्ट आती है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, जनरल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इनकी क्या होती है, पुअर मतलब थर्मल कंडक्टिविटी के बेसिस पे हमने देखा कि ये जो होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, आपके प्लास्टिक्स क्या होते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि हीट को कंडक्ट नहीं करते, इसलिए हम इनको यूटेंसिल्स के हैंडल्स वगैरह बनाने में और रेफ्रिजरेटर की कवरिंग बनाने में यूज लेते हैं, ताकि जो है बाहर की हीट अंदर ना जा पाए, और यहाँ पे हैंडल्स बनाने में यूज लेते हैं ताकि आप यूटेंसिल्स को, अपने बर्तन को, है ना, कुकवेयर्स को आसानी से हैंडल कर सको। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे आर अगेन पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पुअर कंडक्टर है तो हम इसको आसानी से वायर्स की कवरिंग बनाने में यूज ले सकते हैं और आपके स्विचेस और प्लग्स और अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने में यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होता है, बॉटल्स बनाने में यूज ले सकते हैं क्योंकि ये पानी में घुलता नहीं है, ठीक है, ना ही उससे रिएक्ट करता है। अगर कोई आप मेटल कंटेनर लो, मेटल टैंक्स लो, तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, दे गेट कोरोडेड और ख़राब हो जाते हैं, दे रिक्वायर मच केयर। तो प्लास्टिक एक अच्छा मटीरियल है जिसको आप जो है वाटर स्टोरेज में आसानी से यूज ले सकते हो, ड्रिंकिंग वाटर स्टोरेज में, कप्स, टम्बलर्स बनाने में और योर बॉटल्स बनाने में, ठीक है। तो बकेट्स, बॉटल्स और कंटेनर्स बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम इसे यूज़ लेते हैं फॉर स्टोरिंग वाटर, बिकॉज इट हैज़ व्हाट, इट हैज़ पुअर सॉल्युबिलिटी, मतलब ये जो है इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ फ्लेम, फ्लेम का इफेक्ट इनके ऊपर पड़ता है, थोड़ा बुरा है, दैट इज़ जब भी कोई प्लास्टिक पॉलीबैग्स है, अगर आप हॉट पैन के कॉन्टैक्ट में जब इनको लेके आओगे तो वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, ठीक है। सो इट हैज़ पुअर इफेक्ट ऑफ फ्लेम और नॉन रिएक्टिविटी, ये एक अच्छा पॉइंट है कि प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर, तो आप इनको डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स जैसे आपके एसिड्स हो गए, बेसिस हो गए, इन सबको स्टोरेज करने में यूज कर सकते हो, ठीक है। दे डू नॉट रिएक्ट, सो यू कैन स्टोर देम, यू कैन स्टोर वॉट केमिकल्स इन देम, केमिकल एसिड्स एंड वेराइटी ऑफ मटीरियल्स यू कैन स्टोर इन योर प्लास्टिक कंटेनर्स, ठीक है। अनलाइक मेटल्स दे आर नॉट कोरोडेड, है ना, खराब नहीं होते हैं, ना ही जो है इनमें कुछ रिएक्शन करते हैं, इसलिए हम इनको जो है हमारे डिफरेंट केमिकल्स जैसे एसिड्स और बेसिस और दूसरे दूसरे केमिकल, बहुत सारे वेराइटी ऑफ मटीरियल्स स्टोर करने में इनको यूज़
लेते हैं, ठीक है, लाइक ऑयल, है ना। प्लास्टिक्स की आपकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? दे आर टफ एंड दे हैव गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, केमिकल रेजिस्टेंस, वेदर रेजिस्टेंस, इंसुलेशन एंड लाइट वेट, ठीक है। इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज क्या हैं? केमिकल रेजिस्टेंस है, केमिकल से इतना ज़्यादा जो है इफेक्ट नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू योर नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, ये सब जो है खराब हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। बट प्लास्टिक्स आर हार्डली अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, प्लास्टिक जो है दे आर हार्डली अफेक्टेड बाय योर केमिकल्स, ठीक है। वेदर रेजिस्टेंस है, प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं तो दे डू नॉट अफेक्ट बाय वेदर, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल है मतलब जो है टाइम के साथ डिकम्पोज नहीं होते, खराब नहीं होते या खत्म नहीं होते, तो वेदर का भी इन पे जो है कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लाइट वेट है, बहुत ही इजी टू हैंडल है, ठीक है। दे रिक्वायर वेरी लेस केयर, ठीक है, एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर, ठीक है। सो दे आर लाइट वेट एंड इजी टू हैंडल एज कंपेयर टू योर नेचुरल फाइबर्स, ठीक है, नेचुरल मटीरियल्स। टफ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वायर्स और रोप्स बनाने में, आप इनको यूज ले सकते हैं। प्लास्टिक विथ स्टैंड अ लॉट ऑफ फोर्स, बहुत अच्छी खासी फोर्स आप इन पे लगाओगे तो भी ये जो है दे कैन विद स्टैंड विदाउट गेटिंग ब्रोकन, है ना, बिना टूटे ये जो है काफी टाइम तक रह सकते हैं। एंड एज कंपेयर टू योर नेचुरल फाइबर, अगेन हम इसको नेचुरल फाइबर से कंपेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो है एक आपका अच्छा फाइबर बन सकता है बिकॉज दे हैव गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ। इंसुलेशन, इंसुलेशन क्या है? इनका जो है इलेक्ट्रिकल और हीट इंसुलेशन बहुत ही गुड है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट दे हैव गुड इंसुलेशन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हम इनको जो है हमारी इलेक्ट्रिकल वायर कवरिंग बनाने में यूज लेते हैं और हैंडल्स बनाने में यूज लेते हैं, कहाँ पर? हमारे कुकवेयर्स में, ठीक है। अपीयरेंस, प्लास्टिक मटेरियल कैन बी मेड एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल, ठीक है, जितना ट्रांसपेरेंट हम इनको कर सकते हैं एज लाइक ग्लास, हम इनको जो है ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं और इनको हम कंटेनर्स बनाने में यूज ले सकते हैं जो कि हम किचन में यूज ले सकते हैं, जिससे कि आपको इनके अंदर का मटेरियल आसानी से दिख जाए और जो है आपको यूज करना कन्वीनियंट हो, आसान हो, ठीक है, वहां पे जो है हम इस मटेरियल को यूज ले सकते हैं। यानी कि इसकी प्रॉपर्टी होगी क्या? गुड अपीयरेंस। यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है, प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू थिन शीट्स एंड मेड इनटू वायर्स, ठीक है। बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारी जगहों पे हम इनको जो है यूज लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स के नाम दे रखे हैं और उनके यूजेस दे रखे हैं। पॉली बैग्स बनाने में, पीवीसी पाइप्स जो कि आपकी सैनिटरी फिटिंग्स हैं वहां पर, पैकेजिंग में कंटेनर्स जो कि आपकी बॉटल है, बेवरेजेस बॉटल, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, और डिफरेंट फूड कंटेनर्स बनाने के अंदर, केचप बॉटल्स, योगर्ट कंटेनर जो कि आपके डिस्पोजेबल मटेरियल है, थर्माकोल बनाने में हम जो है प्लास्टिक्स का यूज लेते हैं। हैव अ लुक एट मोनोमर्स और प्लास्टिक्स के नाम दे रखे हैं, वहां पे बता रखा है कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक्स हैं वो कहाँ कहाँ यूज आते हैं, ठीक है, क्या क्या उनके पॉलीमर के नाम हैं, क्या क्या उनके मोनोमर के नाम हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। आगे बढ़े, यहाँ पे डिफरेंट नंबरिंग दे रखी है डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिक्स को, जितना कम नंबर होता है उतना ही जो है आपका प्लास्टिक रिसाइकलेबल होता है। इसको अभी हम आगे बढ़ते हैं, पर यहाँ पे जो है जो प्लास्टिक अभी हमने देखे, जो मोनोमर, जो पॉलीमर अभी हमने देखे, उनको हमने जो है नंबरिंग कर रखी है। यहाँ पे नंबरिंग से हम बता रहे हैं कि ये प्लास्टिक यहाँ पे यूज आता है, ठीक है। जैसे आपका पॉली इथाइलिन हाई डेंसिटी, जो आपका पॉली इथाइलिन है वो बॉटल्स वगैरह बनाने में आपका यूज आता है, कंटेनर्स बनाने में यूज आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर टेफ्लॉन, टेफ्लॉन एक डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है किससे मिलके बना होता है आपका टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन, और कहाँ पे यूज आता है? नॉन स्टिक कुकिंग पैंस में कवरिंग करने में काम आता है, ताकि जो है हीटिंग होने पे भी ये जो है मेल्ट नहीं होता और जो है आपके खाने को जो है चिपकने नहीं देता पैन के अंदर। तो ये जो कि एक अच्छा मटेरियल है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है
और यूज्ड इन व्हाट योर नॉन स्टिक कुकवेयर, नॉन स्टिक मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेस्ट, ठीक है, जो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में भी पढ़े थे। टाइप ऑफ वेस्ट क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो अपने आप डिकम्पोज हो जाएं, जो अपने आप डिकम्पोज नहीं होते उनको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? विच कैन डिकम्पोज इन टू सिंपलर एंड लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस थ्रू योर नेचुरल प्रोसेस और बाय द एक्शन ऑफ व्हाट, योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके कॉटन हो गया, वूलन क्लोथ्स हो गए, किचन वेस्ट हो गया, पेपर, वुड, ये सारे आपके क्या हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, जो टाइम के साथ अपने आप जो हैं डिकम्पोज हो जाते हैं एंड दे आर लेस हार्मफुल, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल इन कंपेरिजन दैट दे आर विच डू नॉट डिकम्पोज बाय नेचुरल रिसोर्सेज और बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम, जो कि हैं आपके डिकम्पोज नहीं होते, जैसे कि जैसे ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बेवरेजेस कैंस हो गई और पॉलीथिन्स हो गई, जो पॉली बैग्स आप यूज देते हैं वेजिटेबल्स लाने में, कुछ ग्रॉसरीज लाने में, तो वो आपके जो हैं दो एग्जाम्पल हो गए। यानी कि ये जो हैं बहुत टाइम लेते हैं डी जेनरेट या फिर डीकम्पोज होने में, अबाउट 10 to 100 to 500 ईयर्स जो हैं दे टेक, विच इज अ मच लॉन्गर टाइम, बहुत ही लंबा टाइम है डीकम्पोज होने में, डीजनरेट होने में, ठीक है। तो इसीलिए हमने इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ देयर यूजेस, इनके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, बहुत फ़ायदे हैं, बट बहुत सारे इनके जो हैं नुकसान भी हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक है आपका वो कैसा है? इट इज़ योर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल, जो कि है अपने आप डिकम्पोज नहीं होता या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से नहीं होता। देखो, एक्यूमुलेशन इनका जो है हमारे पास एक सीरियस प्रॉब्लम है, एक सीरियस हेडेक है हमारे लिए, जो कि किसी भी तरीके से अगर हम इनको जो है डिस्पोज करें तो ये जो है पॉल्यूशन क्रिएट करता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद प्लास्टिक डिस्पोजल, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? जब भी आप प्लास्टिक डिस्पोजल कहीं भी छोड़ देते हो मिट्टी वगैरह में, तो वो जो है सॉइल की फर्टिलिटी खराब करता है और वहाँ पे क्या बन जाता है आपका? मडी पडल्स बन जाते हैं, यानी कि जो वाटर, रेन वाटर आपका आएगा वो जो है अर्थ में या फिर सॉइल में वापस से सिप नहीं हो पाता, जिससे कि वो वहाँ के प्लांट्स को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि वो जो है प्रॉपर वाटर नहीं ले पाते, सारा जो है ऊपर के ऊपर ही बह के निकल जाता है और वहाँ पे मडी पडल्स क्रिएट कर देता है, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट मेड एंड अप लिटरिंग रोड साइड, रोड साइड पे जब आप इस तरीके से प्लास्टिक छोड़ देते हैं, ठीक है, कचरा डाल देते हैं, तो काओ वगैरह जो है जनरली खाती है और वो जो है इट लीड्स टू देयर डेथ, है ना, उनकी उस वजह से उनकी जो है डेथ भी हो जाती है। और वाटर में अगर आप इस तरीके से छोड़ देंगे, तो वाटर में अगर आप उनको डिस्पोज करेंगे तो एक्वेटिक लाइफ्स को उससे काफ़ी हार्म पहुँचेगा और जो है वो उसको खा के हो सकता है डेथ हो जाए, है ना, और प्लांट्स और एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, ठीक है, उनकी ग्रोथ को, ठीक है, उनके रिप्रोडक्टिव फेलियर करेगा, ठीक है, एंड दैट विल कॉज टू देयर डेथ और एक्सटेंशन, ठीक है। व्हेन प्लास्टिक्स आर बर्न दे प्रोड्यूस टॉक्सिक गैसेस, बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस निकलेगी, ठीक है, अगेन दैट इज कॉजिंग योर पॉल्यूशन, दैट इज योर एयर पॉल्यूशन, है ना। और अगर आप ऐसे ही उसको कहीं पे डाल देंगे, ठीक है, केयरलेसली थ्रोन प्लास्टिक बैग्स, तो अगेन इट इज कॉजिंग योर पोल्यूशन एंड इट डज नॉट लुक गुड। और जो भी है काओ वगैरह जो है उसको खा लेती हैं, दे सोलो इट एंड दैट लीड्स टू देयर डेथ, ठीक है, उसकी वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशन क्या है? या तो हम उसको रिड्यूस करें, यानी कि उनको यूजेस प्लास्टिक बैग को यूज़ करना कम करें, रिसाइकलिंग करें, या फिर जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डस्टबिन्स यूज़ करें, बिन्स यूज़ करें विच आर गिवन बाय योर म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। तो रिड्यूस करें उनके यूजेस को, ठीक है, जितना हो सके आप जो है खुद के बैग्स लेके जाएं जब भी आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, या फिर अगर यूज़ कर रहे हैं बॉटल्स को इनको, तो आप जो है उनको रिसाइकल करें। रिसाइकल करने में कैसे हेल्प करेंगे? बाय यूजिंग द डिफरेंट डस्टबिन्स, ठीक है। आप तो रिसाइकल नहीं कर सकते, लेकिन जो है आप गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं बाय यूजिंग
डिफरेंट डस्टबिन जो हैं आपका बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वो आप ग्रीन बिन में डालें, और जो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो डिफरेंट बिन में डालें, ताकि जो है उसको कलेक्ट करना बहुत आसान हो। दोनों को आप अगर आप मिक्स कर दोगे, कहीं भी डाल दोगे, तो जो है रिसाइकलिंग प्रोसेस में दिक्कत आ जाती है, वहाँ पे उनको अलग करना पड़ता है। तो हम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्या करें, जो है अपनी जिम्मेदारी समझते हुए डिफरेंट डिफरेंट बिन्स का यूज़ करें, और डिफरेंट डिफरेंट बिन्स यूज़ करें जो कि है आपके फूड मटेरियल यानी कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को हम ग्रीन बिन में डालें, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को ब्लू बिन के अंदर डालें। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम जो है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन 4R प्रिंसिपल का भी यूज़ करें, जो कि हमें बताता है कि हम क्या करें, प्लास्टिक को रिड्यूस करें, रिकवर करें, रिसाइकल करें, और या फिर रीयूज करें। ठीक है, अब जो है साइंटिस्ट जो है प्लास्टिक डिस्कवर कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जिसको जो है डिकम्पोज किया जा सके या फिर फोटो डिग्रेड किया जा सके, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट उसको जो है हम डिकम्पोज कर सके। यहाँ पे आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं जो कि बताते हैं जितना कम नंबर होगा उतना ही उसको रिसाइकल करना आसान होगा। ठीक है, हमने एग्जांपल भी लिया था किसका, आपके किसी भी टॉफी चॉकलेट उस पर कुछ इस तरीके से साइन बना होगा और वहाँ पर नंबर भी दिया होगा कि जो है इसको रिसाइकलिंग नंबर है उसका, यानी कि उसको रिसाइकल करना मुश्किल है। तो अगर 7 नंबर है तो यू शुड अवॉइड इट, यानी कि उसको जो है रिसाइकल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उसको बना रही है ना। ठीक है, तो ये हमने लिया, देखिए आज हमने रिविजन किया किसका, सिंथेटिक क्लॉथिंग मटेरियल एंड पॉलीमर का। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ठीक है, टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन। और एक्सरसाइज नंबर 1, 2 और 3, यानी कि अब आप जो है सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं अपने मॉड्यूल की, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो हमारी वेबसाइट पे जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इफ़ यू फेस एनी क्वेरीज तो आप जो है नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाबा, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। ठीक है, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, चलिए।